चले भाई चले। अबे दूसरा कहाँ है? 1:43 और क्या गिर गया इसका ये हाथ? ये लगता नहीं है इस पे? लगता है। चलो फिर चलते हैं भाई साहब। जो भयंकर भयंकर ओस की शुरुआत हुई है ना, आई मीन धुंध की, उसे देखो यार। के एम पे पर होगी मार तो खत्म ही हो। मैंने कहा अब ना मिले रास्ते में कहीं तो बच गए। BS6 इंजन ऑयल। बार लाइफ में मैं घर से अकेला निकला हूँ और वो भी अकेला, वो भी अलग बाइक पे भाई, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल सीन बनने वाला है मेरे ख्याल से। पता नहीं जो सोचा है वो हो जाए तो बढ़िया है। इसमें आ जाएगा भाई आज 4,500 का तेल आ जाएगा मेरे ख्याल में। यहाँ डेली इतनी धुंध रह गए भाई या आज गणी है? आज है ना। कोहरा देख रहे हो? कोहरा ये देखो, ऊपर करते तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और ऐसे कोहरे में वो बाइक पे चल रहा था और बाइक पे चलते चलते अभी फिलहाल आगे रुका है क्योंकि मैं पेट्रोल डलवाने रुक गया था। और एक मिनट में लाइट जला के बात करता हूँ। मतलब मैं पेट्रोल डलवाने रुक गया था और वो सीधा निकल गया था और किलोमीटर आगे। अब वो रुका हुआ है एक टोल टैक्स पे और बोल रहा है भाई फट चुकी है सारी, फ़ोन वगैरह है, गैस वगैरह, वो सारी चीज़ गीली हो चुकी है, गोप्रो वगैरह जो भी सारी चीज़ है। तो वहाँ पे रुका हुआ है, अब देखते हैं रुक के अगर वो या तो थोड़ी देर बैठेगा तो बैठ जाए। मैंने कहा, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं कहा सुखदेव तक तो एटलीस्ट चल ले, उसके बाद देखेंगे जाया जाएगा ना जाया जाएगा जो भी है उसके लिए। ये देखो सेक्सी साहब ब्रो, ऐसे करेंगे भाई बेटा। यहाँ तो तू अभी ऐसा लग रहा है, मैं बस ये सोच रहा था, मतलब मन में मेरे ऐसे थी, मैंने कहा यार बाहर तो ठंड सी हो रही है। ठंड हो रही है भाई, भंड हो रही है, भंड ठंड हो रही है। पर तू तो मन लगना रहा ठंड में ना। अरे जूते देखो भाई साहब, मैं दिखा दी वाले मैंने चमका के लेके आया था घर से जूते। मैं कह रहा था ना निकलते पुलिस पुलिस मार के ऐसे बंद। इतने सारे रेस्टोरेंट पहली बार देख के इतने खुशी मिल रही है। क्यों? पहली चीज़ तो बारिश आ रही है, वो गीला हो रहा है, वो बहुत आगे बहुत वो चल रहा है, वो चल रहा है। आलस तो भर चुका है क्योंकि उसके चक्कर में मेरे पास आलस आ रहा है और अकेला बैठ के बिना बात करे भाई वो रहता है थोड़ा सा। पीछे एक तो बेड बिछा लिया है। अभी क्या हुआ, हम बारिश आ रही थी तेज तो गाड़ी जैसे रुकी हुई थी ना, मैं पीछे जा कर लेट गया, लेट तो इतनी गाड़ी नहीं ना अभी। मैं हुआ भाई अंडे तक तो एक नंबर स्वाद ही बैठा दिया। मतलब अब सुखदेव पे जाएंगे, यहाँ कुछ खाएंगे और चाय पीते हैं। चाय पीते पीते चुस्के में बताता हूँ आप सबको बातें सारी। सो गाइस, ऑल्दो सुखदेव पे पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचे हुए 20 मिनट हो गए हैं और अभी भी बस सोच ही रहे थे वो चीज़ करें या ना करें आप सबको बताने से पहले। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि हम क्यों रुके हैं यहाँ पे। खाने के लिए तो रुके हैं, चाय के लिए भी रुके हैं, लेकिन भाई बारिश आ रही है, धुंध हो रही है, ठंड हो रही है और योगेश को लग रही है अंत लेवल की ठंड। और इन दिनों में मतलब ऐसे टाइम में वो गया नहीं है बाहर कहीं, तो मतलब बाइक पे, तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है और मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी में चलते चलते भी सोचता रह रहा हूँ। मैंने कहा भाई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, साथ में चलना पड़ेगा ये वो। इस चक्कर में ना हम पहुँच पाएंगे एक डेस्टिनेशन पे और ना कुछ हो पाएगा। तो हमने ये सोचा है कि भाई हम अपनी, मतलब मैं नहीं वो अपनी बाइक को सुखदेव पर खड़ी करेगा। हाँ भाई क्या हुआ, ठंडा माहौल हो गया यहाँ से केएमपी के बाद से हो गया यार, मतलब इतना ठंडा नहीं था केएमपी के बाद, नहीं थी सब चीज़ बात की। नंबर प्लेट भी टूट गई आगे की प्लेट, पीछे की। यार ये कैसे हुआ है, मतलब ऐसी तो कोई तेज भी नहीं चलाई ना। हाँ वहाँ टूटी होगी, जब मैं तेरे को बोल रहा था ना वीडियो बना लियो, उस टाइम पे एक गड्ढा आया था बहुत भयंकर, उस पे पड़ी। हाँ पहले पहले आया था उससे पहले ना। हाँ मैंने भी देखा था।
मेनली जब आपको भूख लगती हो उस टाइम अगर आपको ऑर्डर ना मिले, ऑर्डर छोड़ो आपका ऑर्डर ही ना हो, आज यहाँ पे बैठने के बाद मेरा आलू परांठे खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था आज डोसा खाने का और इसका इडली, इसकी इडली तो हो गई, मेरा डोसा नहीं हुआ। खाते हैं प्याज। लो फिर निकल चले हैं, साइड में आके बैठ चुका हूँ, मगर लो कर लो ये पहले ही जला कहाँ है कर इसका ही हो रहा। ओ दिखी नहीं है तो भाई भेड़ लग रही है क्या भयंकर, इन्ना दिख रहा है इन्ना, ये देखो इन्ना नहीं दिख रहा, ये तो इस कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो हमारी आंख भी नहीं देख पा रही। सो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं फिलहाल एक ढाबे पे, मतलब पहुंच क्या चुके हैं, यहाँ पे हमने नैप ले लिया फिलहाल एक ढाबे पे। जितने ट्रिप पे गया है ना मेरे साथ उतने ट्रिप पे मैं आलस में रहा हूँ और आज भी आलस में हो गया। पीछे वो बेड सा बना के लाया था, मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया, मैंने कहा एक काम कर सो जाते थोड़ी देर, वो सोना हमारा 2-2.5 घंटे का हो गया, मतलब हम यहाँ पे आके 8:30 बजे के आसपास सोए थे और फिलहाल बज रहे हैं 11। मैंने अपना व्लॉग एडिट किया है जल्दी से और मैंने उसे रेंडर पे लगाया, मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपना व्लॉग टाइम पे डाल दूँ फिर देखी जाएगी जो भी होगा। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ से, अब ये मतलब मान लो 1 या 2 स्टॉप लगेंगे बीच में, सीधा पहले टपेगी मनाली उसके बाद देखते हैं कहाँ चलेंगे, मनाली में होटल भी बुक करने हैं यार। भाई इसमें सिनेमैटिक मोड में वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं ये मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे अच्छा भी लग रहा था पर इस टाइम पता नहीं कैसी आ रही है क्लैरिटी। एक मिनट पीछे जाके, एक मिनट क्या पीछे लौट गया भाई जाके, अगर आके ना बैठो भाई चल भाई। मतलब ये मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं कहीं भी ऐसी जगह होगी कि रोक का साइड में है थोड़ी देर में तो आ जाऊँ, पर मैंने अपने लिए वैसे सोची थी, मैंने कहा कुछ भी होगा, मैंने कहा चल लगाई गाड़ी साइड में और सो गए, और वो किया भी और वो गलत भी था लेकिन ठीक है। मैं सोच रहा था मैं कहा मनाली मनाली में पहुंच गए और वहाँ पे अगर रूम नहीं मिला तो ये सो जाएंगे, मैं दो बंदे तो सो ही सकते हैं इसमें। सुसु ब्रेक, एक छोटा सा सुसु ब्रेक, उसे देखो उसे देखो, मैं रोके से देखो मास्क 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 को आंखों में लगा के बैठा हुआ है भाई, मैंने कहा चल मैं तो ले लेता हूँ सबवे भाई, बहुत बहुत तेज की भूख लग रही है सुबह से, बस हमने वो अमृत सुखदेव के वही खाए हैं बस परांठे, इसने इडली खाई थी मैंने परांठे और अब खा रहे हैं, मतलब इसके लिए भी करा दूंगा, लॉक कर दी भाई गाड़ी, लैपटॉप वैपटॉप पड़ा है उसमें। चलो शुरुआत हो चुकी है, चलो अभी भी सोया ही हुआ है, सो रहा है मतलब कम से कम इसे हो गए 4 से 4.5 घंटे और मैंने पहाड़ों पे लगा दी, मतलब अभी मनाली रह रहा है 4 घंटे का रास्ता, लेकिन देखते हैं जैसे ही पहुँचेंगे, पर अगर धुंध ऐसी वापस से धुंध पड़ गई ना फिर तो ना पहुँच पाए 4 घंटे में। आनी तो सो रहा ही है अभी भी तेरे को पीछे अभी भी तेरे को बोल दो ना कि हाँ जाके सो जा तो सो ही जाएगा, मतलब क्या हुआ सीन। ओ भाई एक तो पहले इसकी हालत देखो पहले अभी तो कहीं पहुंची भी नहीं हो तुम, मैं भी अभी तो कहीं नहीं पहुंचे। ओ हो भाई ये पता है पीछे क्या हुआ भाई, यहाँ पहाड़ पे साला ये मारुति वाले और ये जो अल्टो वाले है ना साला ऐसे कट मार के गया कि भाई मैं दूसरी वो सामने से ना बस वाला आ रहा था, सामने से बस वाला नहीं रोक रहा और यहाँ से ये नहीं रोक रहा भाई,
मतलब यू मैंने मात्र इतना सा बचा हूँ, आगे तो मेरे ख्याल से स्क्रैच लग भी गए होंगे। ना स्क्रैच ना आए, यही मतलब बिल्कुल पास से गई थी, बिल्कुल पास से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे को लगा मैंने कहा गई खाड़ी गई, मैंने रोक के नहीं देखी उस टाइम क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और जल्दी जल्दी चल रहे थे बंदे तो इस चक्कर में। बाकी हम अभी मनाली से ऑलमोस्ट 3 घंटे दूर हैं। कब तक हाथ में पकड़े रखेगा भाई, आई मीन ये जब तक जान, अभी तो जान निकल जाती है अभी तेरे। तो ये पहुंच गए हम मनाली की गलियों में, आई मीन मैं वो तो महाराज अभी भी चित इसे बैठ के मिला, इसे ऐसा चित होना दिख गया। खैर जो भी है, जब मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पहली चीज़ तो हम लेट हो गए हैं, 12 बज रहे हैं, दिखा नहीं पाऊँ, 12:12 तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप गाइस आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा, इसे देखो इसे तुम इस हरामजादे को मैसेज करके बस ये बोलो कि भाई उठ जाया करो, अभी वह बंदा आ रहा हूँ। इतनी तेज़ की नींद आई थी मेरे को रास्ते में, बहुत ही कैडी शीशा खोल खोल के आया हूँ, नींद मतलब आँखों में भी दिख रही है।